आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चावल का नाश्ता। इसके लिए हमने 250 ग्राम चावल लिया है, कोई भी टूटे फूटे चावल चल सकते हैं इसमें। तो इसे हम 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो पहले से ही हमने 20 मिनट पहले भिगो कर रखा था चावल को, और ये चावल हमारे अब अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पानी से छान लेंगे। तो देखिए, चावल को हम पानी से छान लिए हैं और इस मिक्सिंग जार में हम चावल को डाल देंगे। और इसके साथ हम डाल लेंगे 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा दही है। इससे ये नाश्ता बहुत ही फ्लफी बनता है। और इसे हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। चावल को हमने पीस लिया, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें बाकी की सामग्री डाल देते हैं, जैसे कि हमने एक बड़ा प्याज काट कर रखा है। अगर आप प्याज खाते हैं तो जरूर डालें। ये हरा धनिया है, थोड़े से करी पत्ता है, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे, और ये चाट मसाला। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, इसमें सारे चीज अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच मीठा सोडा। इसे ये और भी फ्लफी हो जाएंगे और जालीदार बनेंगे। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे तुरंत ही बना लेंगे। तो देखिए, तवा हमारा गर्म हो गया है और आप इसे किसी भी तवे पर बना सकते हैं। तो इसमें हम लगा देंगे बस एक बार 1 चम्मच के करीबन तेल। जो तेल आप पसंद करते हो, भी पसंद करते हो, उसे लगा लीजिए, लेकिन एक ही बार लगाना है। ऐसे हम बिना तेल के ही इसे बनाएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, अब हम इसमें डाल देते हैं बैटर को। हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, तो हम 2 चम्मच बैटर डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से इसे हम बड़ा कर देंगे। और इसे अब हम पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसमें जाली बन गया है। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए, ये कितना आसानी से पलट जाता है। तो देखिए मेरा कितना अच्छा ये नाश्ता बना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे इस पर जाली बन गए हैं। और अगर एक खा लिया तो दिन भर की भूख से राहत हो जाएगी, और बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप चाहे तो इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि फूलगोभी, टमाटर, गाजर, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, नाश्ता बनकर तैयार है और इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज बताना मैं भूल गई थी, इस बैटर में आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा तो ये और ही अच्छा बनता है। बस 1-2 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसमें हम ऑयल भी नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही बन जाएंगे। जितना बड़ा आपका तवा है उतना बड़ा बड़ा आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप लोग इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, फिर से इसमें जाली बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। Thank you.
देखिए तीन हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, और आप चाहें तो इसे आप काट के भी किसी के प्लेट में डाल सकते हैं। जैसे कि एक प्लेट ले लीजिए और इस तरह से इसे रखकर इस तरह से चाकू से काट देंगे। चाकू या पिज्जा कटर हो या कैंची हो, किसी भी चीज़ से बहुत ही आसानी से कट जाती है। पिज्जा कटर से बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।